हेलो स्टूडेंट्स, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, सो देयर आर टोटल सिक्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन विच वी अप्लाई ऑन द मैट्रिक्स. थर्ड इज फॉर रो एंड थर्ड इज फॉर कॉलम. ओके, वन बाय वन वी डिस्कस इट, सो you understand it very well. Okay, first is the interchange of any two rows or two columns. So suppose we have given some matrix or we did not matlab okay interchange karna hai, that means ki hame do suppose hame kahin jagah pe do rows ya to do columns ko interchange karna hai to hum log usko easily interchange kar sakte hain. Uske liye particular kuch notation hai. If we apply this notation on matrix, then we easily interchange the rows या तो फिर columns. Okay? So suppose we have given 3x3 matrix. Okay? And if we want to interchange R2 and R3, so second row is this, third row is this. We want to interchange R2 and R3. So notation is for R2 interchange R3. Okay, or we apply this operation on matrix, then we have A is equals to what? First row as it is. Second row की जगह अब कौन सी row लिखनी है हमें? Third row. तो third row कौन सी है? 5, 6, 7. And third row की जगह second row, that means कि -1√3 and 1. ओके, एंड देन अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स के पीछे आप लोगों को वो सेम ऑपरेशन इंटरचेंज करके लिखना है, दैट मींस कि R2 इंटरचेंज R3. इन जनरल इफ वी वांट टू इंटरचेंज एनी टू रोज देन वी डिनोट इट एज RI इंटरचेंज RJ. ओके, ith रो एंड jth कॉलम के लिए सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कॉलम के लिए. If we want to interchange any two columns, then we denote it as, suppose we want to interchange C1 and C2, so we will write it as C1 interchange C2. So now C1 ki column ki jagah C2 column likhni hai, aur automatic C2 ki jagah kaun si column aa jayegi? C1. Then matrix will be written as first column ki jagah second column. So column kya hai? Second 2√3 and 6. Second column की जगह first column, that means कि 1, -1 and 5. And third column as it is, that means कि 1, 1, 7. और यहाँ पे हमने क्या use किया? C1 interchange C2. So if we want to interchange these two rows या तो फिर two columns, then कौन सा notation use करना है? RI interchange RJ. एंड कॉलम के लिए CI इंटरचेंज CJ. इन जनरल बात कर रहे हो. ओके, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो आप लोगों को इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन. तो वहां पे हमें ये सारे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी. और जब भी आप लोग ऑपरेशन अप्लाई करो देन मैट्रिक्स के पीछे वो ऑपरेशन लिखना जरूरी है. या तो ऊपर लिखो या तो पीछे लिखो, लेकिन कंपलसरी आप लोगों को वो जो आप लोग जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो वो कंपलसरी आप लोगों को वहां पे लिखना है. ओके, देन सेकेंड ऑपरेशन क्या दिया हुआ है कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर. तो सिर्फ जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसके अलावा कोई भी नंबर से आप लोग पर्टिकुलर कोई भी रो या तो कॉलम को मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कर सकते हो. ओके, सपोज R1 मतलब कि फर्स्ट रो को मुझे थर्ड 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उससे हम लोग कैसे लिखेंगे कि R1 टेंड्स टू 1/3 R1. इसका सीधा मतलब क्या है कि हमें R1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर में आप लोगों की R1 कॉलम क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ओके, सो
ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारी फर्स्ट रो क्या हो जाएगी? तो फर्स्ट रो को मुझे 3 से डिवाइड करना है या तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो यानी कि ये. हाँ, सो ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3, ये 1/3 और सेकेंड रो एज इट इज. तो क्या किया हमने, R1 टेंड्स टू 1/3 R1. ओके, सो कोई भी रो या तो कॉलम को आप लोगों को पर्टिकुलर कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों को ये नोटेशन ध्यान में रखना है. इन जनरल यही चीज को आई कैन से रो एंड कॉलम के लिए लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो RI टेंड्स टू KRI. ओके, के दैट मींस कि एनी नॉन जीरो नंबर. ओके, सपोज यही चीज मुझे कॉलम पे अप्लाई करनी है तो कॉलम में मुझे सपोज मुझे सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो सेकेंड कॉलम में चेंजेस करना है तो C2 चेंजेस व्हाट, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 2C2. ओके, देन हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4 एंड ये 2√3 और थर्ड कॉलम एज इट इज. ओके, सो कॉलम पे अगर अप्लाई करना हो तो पर्टिकुलर रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसको इस तरह नोटेशन में लिखना है. इन जनरल उसी चीज की हमें बात करनी हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि CI टेंड्स टू KCJ. ओके, सो कोई भी रो या तो कॉलम के पर्टिकुलर सारे एलिमेंट्स को हम लोग कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या तो डिवाइड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो आप लोगों को ऑपरेशन दिया हुआ है रो एंड कॉलम के लिए वो क्या है कि द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम. आप लोगों को कोई भी दो रो या तो कॉलम का एडिशन करना है बाय व्हाट, यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर. दैट मींस कि कोई भी पर्टिकुलर रो या तो कॉलम को हम लोग कोई भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके, मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो या तो कॉलम में हम उसको एड या तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. कैसे देखते हैं कि सपोज यहाँ पे आप लोगों को सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 2 एंड -1. अगर मुझे बोला हुआ है कि आप लोग सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में एड कर, तो वही चीज हुई कि पर्टिकुलर कोई रो को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके कोई पर्टिकुलर रो में एड कर रहे हैं. तो वही चीज को अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एड किसमें करना है, R1 में. तो चेंजेस कहाँ पे होंगे, R1 में. तो क्या लिखना है, R1 टेंड्स टू R1. R1 में क्या ऐड करना है, तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. तो नोटेशन क्या लिखना है कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है. तो इतनी चीज करोगे तो आप लोगों की जो फर्स्ट रो है वो चेंज हो जाएगी. इन शॉर्ट सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट R2 से 2 को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 और उसको R1 में जाके एड कर देगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को. हाँ, तो यहाँ पे 4 होगा, उसको यहाँ पे एड करोगे तो 1 + 4 दैट मीन्स 5. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, यहाँ पे जाके एड करोगे तो 2 - 2 दैट मीन्स 0 और सेकेंड रो एज इट इज दैट मीन्स 2 - 1. तो अगर हम लोग ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर में हमें क्या मिलेगा, 5 0 2 - 1. ओके, सेम वे में अगर इन जनरल हमें लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि RI टेंड्स टू RI प्लस KRJ या तो -KRJ, जो भी आप लोगों को अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्लस करना है कि माइनस करना है. ओके, सपोज यही चीज हमें कुछ कॉलम के लिए बोली हो कि सपोज मुझे फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम में जाके माइनस करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि C2 में चेंजेस होगा. C2 में से क्या करना है, तो फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है. तो हम लोग
यहाँ पे आप लोगों को वो पूरा मैट्रिक्स क्या मिलेगा, तो फर्स्ट कॉलम में चेंजेस नहीं होंगे, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज। एंड देन सेकेंड कॉलम के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 3 3, और यहाँ पे जाके माइनस करोगे तो 2 - 3, दैट मीन्स की -1। वापस से सी को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6, यहाँ पे जाके माइनस करना है तो -1 - 6, दैट मीन्स की -7। ओके, और सेम चीज की अगर हमें इसको इन जनरल लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि CI - KCJ। ओके, ये चीज इन जनरल के लिए ध्यान में रखना, लेकिन अकॉर्डिंग जब भी हम लोग सम करेंगे तो जो भी रो या कॉलम में हमें चेंजेस की जरूरत पड़ेगी वो हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को सारे ऑपरेशन सब समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट की रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकेंड की किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को हम कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इसके कोई भी रो या तो कॉलम को कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको किसी भी रो या कॉलम में जाके एड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 6 ऑपरेशन है 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए, वो आप लोगों को ध्यान में रखने। नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इन्वर्टिबल की बात हमने पहले भी की थी कि सपोज वहां पे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल की इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स हम लोग कब फाइंड कर सकते हैं, तो इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ओनली वी फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, सो सपोज आप लोगों को कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम है, देन देयर इफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स सेम ऑर्डर जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करता हो, ये ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, दैट मीन्स कि वो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन वी कॉल्ड बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, और उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, ए इनवर्स है तो इन शॉर्ट हमें उसको लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ओके, सपोज यहाँ पे ए बी का इनवर्स है तो सेम वे में बी का इनवर्स होगा, तो अगर हम लोग लिख रहे हैं कि बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स तो उसकी जगह हम लोग ए इज इक्वल्स टू बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स कि ए एंड बी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। और इन दिस के सपोज हमें कोई मैट्रिक्स ए के लिए ऐसा मिल रहा है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो उस केस में हम ए को क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं जिसके लिए हम लोग इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, उसके डिस्कशन हम लोग बाद में आप लोगों को सम के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन अगर इनवर्स मिल रहा है तो वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 दिया हुआ है कि जहां पे आप लोगों को यूनिकनेस की बात की हुई, तो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे तो हर एक मैट्रिक्स के लिए जो उसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा वो यूनिक होगा। ओके, तो हर एक मैट्रिक्स के लिए खुद का एक अलग इनवर्स मैट्रिक्स होगा अगर एग्जिस्ट करता है तो। ओके, एंड नेक्स्ट थ्योरम 4 में दिया हुआ है कि ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे कि ए बी का इनवर्स फाइंड करोगे, तो आंसर में क्या मिलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या सीखना होगा कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो पहले हम उसकी डिस्कशन करेंगे, बाद में इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी देखेंगे, और प्रूफ आप लोगों को थ्योरम 4 के प्रूफ में टेक्स्ट बुक के प्रूफ भी दिए हुए हैं, तो प्रूफ भी आप लोग देख सकते हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके भी चेक करोगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये तो फाइंड करना पड़ेगा ना कोई भी मैट्रिक्स के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस
के ऑपरेशन समझ में आ गए, इसको अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी का यूज करके फाइंड आउट करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।